Okay. So good morning, students. Today we are going to discuss admission of a partner. In last class, पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से संबंधित सारी चीजें. इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने चर्चा की थी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इटीसी. इन तमाम बातों पे जो हमने चर्चा किया था पिछले चैप्टर्स में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंतर्गत, ये सभी चीजें जो अब हम चैप्टर आज पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे नई चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मीन्स अ न्यू पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, एंट्रेंस इन पार्टनरशिप फॉर्म. न्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर, पार्टनरशिप फॉर्म में एंट्रेंस करता है. जब एंट्रेंस करेगा उसके पहले एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, सो कॉल्ड ओल्ड पार्टनर्स आर एग्रीड. अगर ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर एडमिशन के लिए सहमत हो, एग्रीड हो, तभी न्यू पार्टनर का एडमिशन हो सकता है पार्टनरशिप फर्म में. पार्टनरशिप फर्म एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31 के अनुसार कभी भी न्यू पार्टनर का एडमिशन पार्टनरशिप फर्म में तभी हो सकता है जब पुराने पार्टनर की सहमति बनती हो, एग्जिस्टिंग पार्टनर कॉन्सेंट हो, तभी न्यू पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप फर्म में. तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31 के अनुसार, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सेक्शन 31 के अनुसार जब ओल्ड पार्टनर्स यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आपस में एक सहमति बना ले कि न्यू पार्टनर का एडमिशन हो पार्टनरशिप फर्म में, जब सहमति हो जाए एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच, तभी नए पार्टनर का एंट्रेंस होता है पार्टनरशिप फर्म, जिसे हम कहते हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए इनकमिंग पार्टनर, एन इनकमिंग पार्टनर. तो इनकमिंग पार्टनर या न्यू पार्टनर दोनों नाम से हम जानते हैं. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार हम लोगों ने पिछले स्टार्टिंग फंडामेंटल्स में चर्चा की थी कि एक डीड बनता है पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत पार्टनर्स के बीच, जिसे हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहते हैं. डीड में तमाम बातें क्लियर होती हैं, लिखी हुई होती हैं कि क्या क्या पार्टनरशिप फर्म में होगा, इन सभी की चर्चा डीड में ऑलरेडी होती है. उसी डीड के अनुसार अगर डीड में ये बात पहले से तय है कि नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो न्यू पार्टनर का इंट्रेंस हो सकता है. अदरवाइज अगर डीड नहीं है इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो वैसे केसेस में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में एक सहमति बनेगी, एक एग्रीमेंट होगा, कॉन्सेंट होगा न्यू पार्टनर के एडमिशन के लिए, तो न्यू पार्टनर का इंट्रेंस होता है. ये सिचुएशन होती है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. जैसे ही न्यू पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप फर्म में, वैसे ही उस पार्टनर्स की, पार्टनर्स को दो अधिकार प्राप्त होता है. एक अधिकार, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली अधिकार तो ये कि इन फ्यूचर फर्म में जो भी एसेट्स हैं
उस एसेट्स में उस पार्टनर का रेशियो होगा, जो दिया हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, उस वे से शेयर मिलेगा। दूसरा, लाइएबल टू ऑल लाइबिलिटीज, सभी लाइबिलिटीज के प्रति भी वो पार्टनर उत्तरदायी होगा। ये दोनों बातें साथ साथ होंगी जिस दिन से इंश्योरेंस होगा। जब जैसे ही न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में इंश्योरेंस करता है, उस समय उस पार्टनर को अपने साथ कुछ जरूरी चीजें साथ में लेकर आनी होती है, जिसके लिए हम सभी जानते हैं सबसे पहले फर्म में प्रवेश करने के लिए कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगी न्यू पार्टनर्स की। साथ में एक और जो अहम बात होती है, जिसको हम कहते हैं गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल, ये भी न्यू पार्टनर को साथ में लेकर आना होता है जब इंश्योरेंस होता है पार्टनरशिप फर्म में। जिस दिन से ये डिड लागू होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का, उसी दिन से ये तमाम बातें शुरू हो जाएंगी। जैसे ही न्यू पार्टनर्स का पार्टनरशिप फर्म में प्रवेश होगा, तो निश्चित रूप से ऑटोमेटिकली जो पहले से एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में डिड है, वो सभी बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे और एक न्यू एग्रीमेंट लागू होगा। जैसे ही न्यू एग्रीमेंट लागू होगा, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स, इन सभी के बीच एक न्यू एग्रीमेंट बनेगा, एक नया डिड बनेगा और अकॉर्डिंग टू दैट डिड्स पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू होगा। तो इस प्रकार से नया पार्टनर का इंश्योरेंस होगा, पार्टनर्स को अधिकार होगा, लायबिलिटीज होगा जिस दिन से पार्टनर एडमिट होगा। तो जैसे ही न्यू एग्रीमेंट आएगा, तो उस कंडीशन में न्यू पार्टनर्स के लिए दो चीजों का जरूरी होना आवश्यक होगा, जो मैंने कहा जैसे ही इंश्योरेंस होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड सेकेंडली गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। न्यू पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में जब इंश्योरेंस करेगा, तो गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल लाने के लिए कुछ सिचुएशंस कंडीशंस होंगे, जिस कंडीशंस पे बारी बारी से हम आगे चर्चा करेंगे। यस, तो हम चर्चा कर रहे थे कि न्यू पार्टनर्स का जब प्रवेश होगा, तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा साथ में गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल जिसे कहते हैं। हम बात कर रहे थे कि जैसे ही नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है, तो एक न्यू एग्रीमेंट बनता है। मीन्स जिस दिन से पार्टनर इंश्योरेंस करेगा, उसी दिन से सारे कंडीशंस बदल जाएंगे। क्या क्या कंडीशंस बदलेंगे? पहले कंडीशन तो ये बदलेगी कि पार्टनर्स के बीच में इंक्लूडिंग इनकमिंग पार्टनर और न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल चेंज। दूसरी, नया पार्टनर जो गुडविल ले आएगा, उसके बारे में क्या एडजस्टमेंट हो सकता है। तीसरी बात है कि पहले से पार्टनरशिप फर्म में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बैलेंस शीट होगा, अब जब नया पार्टनर इंश्योरेंस करेगा, तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज की क्या सिचुएशंस होगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेंगे नेचुरली, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेंगे एंड फाइनली बैलेंस शीट का निर्माण। तो हमने देखा कि जैसे ही इनकमिंग पार्टनर और नए पार्टनर का प्रवेश होगा पार्टनरशिप फर्म में, तो बहुत सारे सिचुएशंस नए नए आ जाएंगे और इन सारे सिचुएशंस का एडजस्टमेंट्स हम करेंगे। तो इस प्रकार से पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत नए पार्टनर का प्रवेश होता है। जैसे ही न्यू पार्टनर्स का इंट्रेंस होगा पार्टनरशिप फर्म में, तो सबसे पहले जो मैं चर्चा कर रहा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। सपोज पहले से अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर एक्स एंड वाई है और इनकमिंग पार्टनर जेड, सपोज नया पार्टनर जेड का इंट्रेंस होता है, तो एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई इज द ओल्ड पार्टनर एंड जेड इज द इनकमिंग और न्यू पार्टनर। मान लिया जाए कि पहले से एक्स एंड वाई जो ओल्ड पार्टनर था, इसके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 एंड न्यू पार्टनर जेड
जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 1/6। तो इस प्रकार से एक्स वाई एंड जेड के बीच में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हम कैलकुलेशन करेंगे। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करने के लिए कुछ सिचुएशंस होंगे, 1, 2, 3, 4 जो भी सिचुएशंस होगा, बारी बारी से सारे सिचुएशंस पे हम चर्चा करेंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरी चीज होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ा था कि कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सिंपली जैसे पिछले क्लास में देखा था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला पड़ा था। इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो का इस्तेमाल करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में। तो ये पीछे भी हमने देखा था सिंपली, लेकिन इस चैप्टर में एडमिशन ऑफ जब न्यू पार्टनर होगा इसमें जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा इसके भी कई सिचुएशंस हैं जो अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा। पिछले क्लास में मैं बार बार चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछला चैप्टर ही इस चैप्टर से रिलेटेड है। पिछले चैप्टर को अगर हमने अच्छी तरह से समझा है तो इसमें काम आएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लिया है कि ओल्ड रेशियो हमें मालूम हो पार्टनर के बीच में पहले से, और न्यू रेशियो भी मालूम हो। अगर न्यू रेशियो मालूम है, ओल्ड रेशियो मालूम है, तो ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूला पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकाल सकते हैं। लाइक दिस, इसी का बात करें हम, एक्स एंड वाई के बीच में ओल्ड रेशियो 3:2, तो एक्स बराबर 3/5 हो सकता है, एक्स बराबर 3/5 हो सकता है, माइनस न्यू रेशियो अगर हमें पता हो इक्वली हो, आई मीन 1/2 हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी, ठीक वाई का अगर हम कैलकुलेट करें 2/5 - 1/2 ये भी निकल जाएगा। एंड जेड इज द न्यू पार्टनर, जेड का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/6 ऑलरेडी है, तो हमें जेड का नहीं निकालना है। जब भी सैक्रिफाइस निकलेगा ओल्ड पार्टनर्स का एक्स एंड वाई के बीच में निकलेगा, ये मैं कह रहा था। लेकिन कुछ सिचुएशंस हैं इसके, जिस सिचुएशंस पे अलग अलग सिचुएशन में ये चेंज हो जाएगा, तो सिचुएशंस को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। नाउ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जब होगा द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी रिक्वायर्ड। अब आप देखिए, सो ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड। नंबर वन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे ही न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा पार्टनरशिप फर्म में, तो ये सारे एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे। मीन्स मेरे कहने का ये कि पार्टनरशिप फर्म में जब एडमिशन आप अभी बोल रहे हो, एडमिशन के अंतर्गत न्यू पार्टनर एडमिशन के लिए ये सारे एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। नंबर वन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये पीछे चैप्टर में जो हमने पढ़ा है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंतर्गत सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, निकाला था, तो वही सारे सिचुएशंस यहाँ भी होगी। लेकिन कुछ केसेज हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस के अनुसार हम यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। दूसरा, वैल्यूएशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल पिछले फंडामेंटल चैप्टर के बाद जो हमने पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें तीन मेथड्स है गुडविल निकालने का तरीका हमने जाना था, उसी से संबंधित यहाँ भी है कि जैसे ही न्यू पार्टनर का इन्फ्लुएंस होगा पार्टनरशिप फर्म में, तो वैल्यूएशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल किया जाएगा। जैसे मान लिया जाए, सिंपल बात, जब चैप्टर इस चैप्टर पर आएंगे तो ज़्यादा बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि नया पार्टनर का जब इंश्योरेंस होगा तो वह गुडविल के रूप में कैश ला सकता है या नहीं भी ला सकता है। अगर लाता है नया पार्टनर कैपिटल के साथ साथ गुडविल के
के लिए अगर अमाउंट साथ में कैश के रूप में लेकर आता है तो ऑटोमेटिकली नो प्रॉब्लम। सो हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की चर्चा कर रहे थे, तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हम दिखाएंगे। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कैसे एडजस्ट करेंगे इस पर हम चर्चा किया कि न्यू पार्टनर का जब इंट्रेंस होगा पार्टनरशिप फर्म में तो वह अपने साथ गुडविल का अमाउंट लेकर आए या नहीं लेकर के आए। इन सारे कंडीशंस में जो अमाउंट ऑफ गुडविल होगा इनकमिंग पार्टनर के द्वारा उस पर कंप्लीट राइट होता है ओल्ड पार्टनर्स का, और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर हो जाता है। अगला एडजस्टमेंट हमारा है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। इन लास्ट क्लास इन लास्ट चैप्टर इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने इसकी चर्चा की थी कि अगर ओल्ड पार्टनरशिप फॉर्म में न्यू पार्टनर के इंट्रेंस से पहले रिजर्व्स दिया हुआ हो तो उस रिजर्व्स के अमाउंट को अमाउंट ऑफ रिजर्व्स आर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जस्ट लाइक अगर ये एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ हो जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं, इफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस आर गिवन इनटू ओल्ड फर्म्स अकाउंट इन दैट सिचुएशंस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ क्रेडिट बैलेंस आर ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ डेबिट बैलेंस आर गिवेन दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ डेबिट बैलेंस इज ऑल्सो ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक इसी प्रकार से अगर और भी कोई रिजल्ट दिया हुआ हो तो वैसे केसेस में भी ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आई मीन ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। लाइक दैट डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सच एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अगर दिया हुआ है तो वैसे कंडीशन में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आर ऑल्सो ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड नेक्स्ट इज यही हम कह रहे थे कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम फुल लेंथ का सवाल एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का बनाएंगे वो सिक्स मार्क्स का, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी सिक्स मार्क्स का आता है। सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, फुल लेंथ क्वेश्चन होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट पहली चीज। दूसरी चीज में बनेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फाइनली तीसरी चीज बनेगी बैलेंस शीट जिसको हम न्यू बैलेंस शीट का नाम दे सकते हैं। तो ये तीन चीजें बनेगी जो सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए इसको बारीकी से हम बारी बारी से चलेंगे कि जो भी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। नंबर वन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसमें डिटरमिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का निर्माण करेंगे, इसमें जो सिचुएशंस है उस पर अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे। एंड देन बारी बारी से दूसरे तीसरे चौथे जो भी एडजस्टमेंट है यही पाँच छः एडजस्टमेंट जो दिया हुआ है इस चैप्टर के अंतर्गत हमें जानना है। अगले क्लास में हम नेक्स्ट डे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के जो जो सिचुएशंस है उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।